कि एक्शन सिर्फ ऑपोजिशन पर हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है ज्यादातर। 10 साल से तो केंद्र में आप लोगों की भी सरकार है, ऐसा थोड़ी है। आप लोग भी राजनीति करते हैं, तो क्या बिना पैसे की राजनीति तो होती नहीं होगी? नहीं, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, तो पिछले 10 सालों में हमारी सरकार पर कौन सा आरोप लगा? एक आरोप लगा पाए कोई? भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। और मैं तो ये कहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी है, आज आप किसी के भी अकाउंट्स चेक कर सकते हो, किस कंपनी में वो है, उस कंपनी में उसका शेयर होल्डिंग कैसा है, ये सारी चीजें एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट, ट्रांसपेरेंट है। हमारा भी ढूंढ लो, हमारे लोगों का भी ढूंढो। अगर हमारे लोगों ने गलतियां की होगी तो उन पर भी आप केस कर सकते हो, कौन रोकता है? कोई अगर ढूंढ के ये सारी चीजें निकालकर एक कंप्लेंट दे दे तो कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस जी कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते बीजेपी जो है वो कांग्रेस युक्त हो गई, तो कहां कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, कहां बीजेपी कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। देखिए क्या होता है ना कि जिस समय कांग्रेस जैसी ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसको कहा जाता है, ये नेतृत्व विहीन हो जाए, और जब इतनी बड़ी पार्टी को कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, इस प्रकार की परिस्थिति में वो आ जाए, तो उनकी पार्टी में बैठे हुए जो लोग काम करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, लोगों में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो लोग करे तो करे क्या? तो ऐसे समय उनको ये लगता है कि भाई अब अगर हमें हमारी राजनीति को कंटिन्यू करना है तो कांग्रेस तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डूबती नाव है, ये सुधरने को तैयार नहीं है। देखिए हार जीत तो होती है चुनाव में, लेकिन हारने के बाद क्या आप आईना देखते हो? क्या कभी आप आत्मचिंतन करते हो? तो कांग्रेस ना आईना देखती है ना आत्मचिंतन करती है, वो तो अभी भी उन्हीं नेताओं के उसी प्रकार के रवैये को लेकर आगे बढ़ रही है। तो इसलिए लोग वहां से निकल रहे हैं, और जब लोग हमारे पास आना चाहते हैं तो हम लोग क्यों रोके? तो इसलिए ये जो कहना है कि कांग्रेस युक्त हो गया, ये गलत बात है। देखिए आज भी 75% हमारे लोग तो होम मेड है, यानी हमारी सिस्टम से आए हुए, और 25% लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं या जिनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ऐसे लोग हैं, उसमें कुछ लोग कांग्रेस से आए। लेकिन ये तो बीजेपी के वर्कर्स या उसके जो अदरवाइज जो इतने सालों से रहे हैं साथ में, उनका ये तो है ना कि भाई हम लोग काम करते रहे, हमने पार्टी का झंडा, हमने पार्टी का सब बैनर पोस्टर लगाया, हम पार्टी को बढ़ाते रहे, और आज हम लोग को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए मैं ऐसा नहीं मानता हूं, आज भी आप देखिए पदों पर जो लोग हैं उसमें 90% लोग होम ग्रोन लोग हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी में जो मिली है उसमें भी 90% लोग जो है वो नीचे से आए हुए, केडर से आए हुए, सालों साल काम के वो लोग हैं। हाँ ये जरूर है कि नए लोग आते हैं तो कई बार पुराने लोगों को लगता है कि हमारा क्या होगा, हमने इतने साल काम किया उसका क्या होगा, लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हम लोग हमेशा कहते हैं देव दुर्लभ इस प्रकार के हमारे कार्यकर्ता है। मन में कई बार उनको लगता है कि अब नए लोग आए हमारा क्या होगा, लेकिन फिर भी वो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनको ये बात पक्की पता है कि हम केवल राजनीति के लिए नहीं आए, हम विचारों से आए हैं, हम किसी ध्येय के लिए आए हैं। तो जब हम उनको याद दिलाते हैं कि देखिए संक्रमण की अवस्था है, फैलाव तो करना होगा, लोग तो लेने होंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप जिस ध्येय के लिए पार्टी में आए हो उस ध्येय के लिए आप काम करो, सब लोग काम करते हैं। और इस पार्टी में सबसे बड़ी बात तो यह है कि 60-70% लोग ऐसे काम करने वाले जिनको पता है उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनका समर्पण है पार्टी के प्रति।